करें वो करें, इनको बुलाऊं उनको बुलाऊं। महाराज ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले फलाने को बुला रहे हैं। किस लिए? बोले झाड़ने के लिए। क्या कैसे झाड़ेगा? झाड़ू से झाड़ेगा कि पंखा से झाड़ेगा कि पेड़ की डाली से झाड़ेगा, कौन चीज से झाड़ेगा? बोले मंत्र से झाड़ेगा। बोले कौन मंत्र से झाड़ेगा? बोले सांप का विष उतारने वाले मंत्र से झाड़ेगा। गुरुदेव बोले कि हमको दो मंत्र मिला है, जनेऊ के समय में ब्रह्म गायत्री का मंत्र मिला है और भगवत शरणागति के समय में श्री राम मंत्र मिला है, क्या इन दोनों मंत्रों से बढ़कर के किसी सांप बिच्छू वाले में मंत्र में ताकत है? इन दोनों मंत्रों से हमारा विश्वास उठ जाएगा तब न हम तीसरे मंत्र वाले को बुलाएंगे। अजा तीसरे मंत्र वाले को याद किए कि हमारा इन दोनों मंत्रों में से विश्वास हमारा खत्म हो गया, हम अपने विश्वास की जड़ नहीं काटने देंगे, किसी को नहीं बुलाने दिया और भजन करते रहे। लोगों ने कहा कि महाराज तो इसी मंत्र का आज कुछ विशेष जप कर लीजिए। बोले कि हम रोज जितना जप करते हैं आज भी किए, आज कुछ विशेष कीजिए। बोले किस लिए? इसके विष से बचने के लिए। कहा कि अब तक जो हम जप करते आए हैं और आज जो जप किया है वो बेकार जाएगा, और यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है कि इसी सर्प के विष के बहाने इसको अभी शरीर रूपी कारागार में से जेल में से निकालकर इसकी मियाद पूरी हो गई, अब मैं इसको गोदी में अपने बुला लूं, तो हम इसमें अड़ंगा क्यों डालें? जब प्रभु हमको इसी बहाने अपने चरणों में बुलाना चाह रहे हैं तो, और अगर प्रभु चाहते हो कि नहीं अभी फलाहारी बाबा दुनिया में रहें 10-20 बरस और लोगों का भभला करें, एक बार नहीं 13 बार काटेगा तो अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कुछ नहीं बिगड़ा उसके बाद करीब 15-20 साल और रहे महाराज भजन करते रहे। इस घटना की चर्चा मौनी जाट भैया जी सुनाया करते थे, श्री उड़िया बाबा के परिकर, उनके परिकरों में से महेरा गांव है अतरौली अलीगढ़ और रामघाट के बीच में, वहां के रहने वाले आते रहते हैं राजपाल सिंह, उनके बेटे, उनके बेटों को भैया जी कहा करते थे 5 पांडव हैं, एक पड़ोस के गांव में किसी के घर में डकैती पड़ी, हल्ला मचा, डाकू आकर के वो उपद्रव करने लगे, 5 बेटे दौड़ पड़े और एक बाल बांका नहीं होने दिया। उनका एक बेटा है, बड़े का नाम है कमल सिंह, बड़े का नाम है पंचम सिंह, उससे छोटे का नाम है कमल सिंह। कमल सिंह के साथ की घटनी हुई घटना है, वो शरणागत है और उसने ये कथा गुरुजी वाली शरणागति के समय में हमारे राम प्राय बताया करते हैं उसने सुन रखी थी, और वो खेत में पानी दे रहा था क्यारी में, तो एक तरफ की क्यारी पट गई, अब जरूरत थी कि इधर की का बांध काट करके इधर पानी छोड़ दें और इधर जिधर जा रहा था उधर बंद कर दें। तो जो उसने हाथ लगाया गीली मिट्टी उठाने, भीतर बैठा हुआ एक सर्प एकदम उसने उंगली को यूं कर लिया, खींचा तो एक काला भुजंग झटका दिया, वो तो बाहर गया, उसके बाद हल्ला मचा, सर्प खा गया, सर्प खा गया, सर्प खा गया, काला भुजंग खा गया उसने, और कुछ नहीं बुलाने दिया किसी को, न कुछ करने दिया, बस थोड़ा सा ब्लेड से काट करके उसका रक्त थोड़ा बाहर कर दिया और उसके बाद कमरे में बैठ करके और भगवान का भजन करने लगा। लोग कहते रह गए कि उसको बुला लेगा, बोले कुछ नहीं, हमने श्री फलाहारी बाबा की अपने दादा गुरु जी की कथा सुनी है और अभी तक वो बना हुआ है भजन कर रहा। हम लोगों में से थोड़ा किसी को 2 दिन के बजाय 10 दिन अगर बुखार रह गया, अरे लगता है कोई हवा लग गई है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो क्या करें, फलाने जंतर मंत्र वाले के यहाँ जाए तो फरारी कबर और मजार पर जाएं और ज्योतिषी को बुलाओ और ग्रह दिखाओ नक्षत्र दिखाओ, कहें कि राहु का अनुष्ठान कराओ तो केतु का अनुष्ठान कराओ, तो कहते हैं कि अगर इस तरह से भटकना हो तो दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, उधर उधर भटकते रहो। भगवत शरणागति के बाद केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, वे प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे और वे ही रक्षा करेंगे, दूसरे किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। नहीं, ठाकुर की शरणागति के बाद अगर किसी दूसरे का भरोसा अगर किए तो समझिए ठाकुर कहता है कि मोर दास कहाय नर आशा करई तो कहो कहाँ विश्वास।
मेरा सेवक कहला करके, मेरा भक्त कहला करके दुनियादारी वालों का भरोसा करने जा रहा है, तू तो जा उन्हीं के भरोसा कर, फिर मैं किनारे हूँ, फिर मेरा दोष मत देना। जिस पर प्रभु, जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं, तो समझो कि बिना नींव की दीवार कब तक चलेगी। नींव है नींव, विश्वास नींव है, बिन विश्वास भगत नहीं। ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्राम। एक बहन जिनके लिए मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रजस्वलावस्था में उन्होंने हमें रोटी बना के खिला दी और रात भर खून मांस का सपना आता रहा, उन्हीं के जीवन की घटना है। एक बार अपने गुरु स्थान गई, वैष्णव है, बल्लभ कुल की वैष्णव, गुरु स्थान गई, उनके साथ एक और पड़ोसी बोली कि मैं भी चलना चाहती हूँ, बोली चलो। गई वहां, देखा देखी इसके श्रद्धा हो गई, उसने कहा कि हम भिक्षा लेने, कंठी लेने, कंठी लेकर घर आई। अब क्या फर्क पड़ा कोई गर्मी में कि सर्दी में, कि बुखार आ गया घर लौटते लौटते। बुखार सबको आता है, ये थोड़े की दीक्षा लेने के कारण ही बुखार हो गया। अब बुखार उतरा नहीं, दो दिन के बाद उतरना था, तब तक एक पड़ोसी मिल गई, अरे ये कंठी कहां से लेके आई तू, कंठी क्या ले आई, बुखार लेके आई, उतार कंठी, उतार दिया। अब संजोग की बात की, जिस ये उसी दिन उतारा जिस दिन बुखार भी उतरना था, जिस दिन बुखार उतरना था उसी दिन उतरा, उतरी कंठी। अब उसका विश्वास पक्का हो गया, मेरी पड़ोसी ने ठीक कहा, कंठी लेके आई, बुखार लेके आई, कंठी उतरी और बुखार उतरा। अब जिंदगी भर के लिए वो पड़ोसी उसकी निष्ठा को खा गई। तो भगवत शरणागति के पश्चात यहाँ चलो वहां चलो, वहां तेरी गोद भर जाएगी और वहां तू करोड़पति हो जाएगी और वहां ये हो जाएगा और वहां वो हो जाएगा, तो अगर इधर उधर दौड़ने वाली नियत है तो भैया कंठी मत लो, दीक्षा मत लो, और दीक्षा के बाद केवल भगवान का भरोसा करना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा बताइए जिससे कि हमारा रोजगार में बढ़ती हो जाए और हमारे बेटा को बेटा हो जाए। तो कहा कि जो गुरुजी ने दे रखा है उस पर भरोसा नहीं है, वो निकम्मा है, निरर्थक है, फिर तुम कुछ और जंत्र मंत्र की खोज कर रहे हो। हमने यहां एक बार कुछ भाइयों के साथ में अयोध्या दर्शन करने गए, तो मंदिर वाले ठाकुर जी लोगों के दर्शन किए, सो किए, हुआ कि संतों के भी दर्शन करने चाहिए। तो संतों के दर्शन करने के लिए जहां तहां गए, एक संत, सबसे जाड़े का मौसम था और दिन ढलने में कुछ देर थी, ऊपर धूप में बैठे हुए थे, तो हम लोग गए उनका दर्शन। महाराज जी कहाँ है, बोले वो तो ऊपर धूप में बैठे हैं, ऊपर हम लोग जा सकते हैं, बोले हाँ जाओ दर्शन कर लो। गए तो दर्शन किए, तो दंडवत प्रणाम किए, जय सियाराम, कहो भाई कैसे आए, हमको सबसे आगे कर रखा था भक्तों ने। हमने कहा कि वाह महाराज दर्शन करने आए। दर्शन हो गया, बोले हो गया, अच्छा और कोई सेवा मेरे लायक। मेरे मुख से निकल गया कि महाराज जी आपसे हम लोग सेवा क्या लेंगे, हम लोग तो संसारी भटकने वाले जीव हैं, हमारे कल्याण के लायक कोई उपदेश कृपा करिए। रोने लगे महात्मा, आंसू बंद नहीं हुए, रोने लगे। हम घबरा गए, हमसे कुछ भूल हो गई क्या, क्यों महात्मा रोने लगे। रोना बंद हुआ तो हमारी कंठी और तिलक को दिखा करके बोले कि अपने आप लगा लिया है कि किसी ने दिया है। तो अपने गुरु जी का, बक्सर वाले महाराज जी का परिचय देते हुए कि गुरु जी से मिला है। फिर रोने लगे, और इस बार तो हिलकी ले लेके रोने लगे, हिचक हिचक के रोने लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब रोना बंद हुआ तो बोले कि गुरु जी ने केवल यही नहीं दिया है, कुछ और भी दिया होगा। हाँ जी दिया है। बोले कि गुरु जी ने अपनी अनमोल निधि, जिसके लिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआयो, खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, यह धन दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा के सतकी नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरुदेव ने कृपा कर दी, उसके बाद भी अभी तुमको अपना कल्याण का उपाय पूछते फिरते हो, हमारे कल्याण के लायक कोई उपदेश दीजिए। इसका मतलब कि गुरु वचनों में और गुरु जी के दिए हुए उस निधि में तेरा अभी विश्वास नहीं हो पाया है। उसके बाद लक्ष्मैया ये हिम्मत नहीं पड़ी कभी जिंदगी में जो किसी से कहे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण तो हो चुका है, अब फिर अब ये कहा सुनी किस लिए हो रही है, हमारा कर्तव्य है, हमको ये ड्यूटी मिली है, हमको ये सेवा मिली है, इसलिए कहा सुनी हो रही है। इसमें समय का सदुपयोग होता है, वाणी का सदुपयोग होता है, प्रभु की यादगारी आती है, इसलिए हम कह रहे हैं सुन रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाए बोले इसकी जरूरत नहीं है, हमारा कल्याण तो हो चुका, कल्याण में हमारे कोई संदेह नहीं, अब हमको दर दर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरी शर्त समझ में आ गई ना, पहली शर्त अनुकूल को ग्रहण करना, अनुकूलता को ग्रहण करना, दूसरी शर्त प्रतिकूलता से बचना, प्रतिकूल आहार से बचना, प्रतिकूल व्यवहार से बचना, और तीसरी शर्त प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे, वही करेंगे, दूसरे से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, इस बात पर विश्वास रखना, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है गोपतृत्व वर्णम तथा, गुप्तृत्व मने रक्षकत्व, गुप्ता कहते हैं छिपा करके हिफाजत कर ले, जैसे जोर का अंधड़ तूफान उठा, धूल कचरा हवा में उड़ करके आने लगा, आंख में पड़ जाए तो आंख में पीड़ा होगी ना, तो आंख की पुतली को हिफाजत कौन करती है, दोनों पलकें चट, हे धूल हे कचरा मेरे ऊपर चाहे जितना पड़ जाओ लेकिन मैं अपनी पुतली पर एक भी कण पड़ने नहीं दूंगी। तो जैसे पलकें पुतली की हिफाजत करती है, ऐसे हम ठाकुर जी हमारी हिफाजत करेंगे, हमने उनकी शरण ली है, हमको अपने पलक की पुतली बना लेंगे और स्वयं पलक बनकर के हमारी रक्षा करेंगे। बच्चा सो रहा है खाट पर, रात को कोई सपना देखा डरावना, हो, 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 हो ऐसे करने लगा, तब तक माँ चट अपने अंचल में, बेटा मैं हूं, मैं तेरे पास हूं, क्या बात कैसे तू भयभीत हो रहा है, अरे माँ ऐसा सपना देख रहे, माँ तू तो नहीं थी इसलिए मैं डर गया, बोले हूं तो तेरे पास में, जैसे अंचल में छिपा करके माँ बच्चे की हिफाजत कर लेती है, इसको कहते हैं गोपन करना, छिपा लेना, बचा लेना, हिफाजत कर लेना। तो गोपतृत्व मने रक्षकत्व, रक्षक के रूप में वर्णम तथा, परमात्मा का वर्ण करना, वर्ण करना मने अपना बना लेना, अपनापन उनके साथ कायम कर लेना, वैसे तो अपनापन सबका है भगवान के साथ में, सभी कहावत राम के और सभी राम की आस, लेकिन राम कहीं जही आपनो तेही भजू तुलसीदास, भगवान के प्रति कोई एक नाता मान करके और उसका निर्वाह करो। अभी मीरा जी की कथा आप सुन रहे हैं, मीरा ने उनको पति रूप में माना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एक कर्माबाई हुई है, उन्होंने गोपाल को पति नहीं माना, कहा कि मेरा लाला है, मैं इसकी मैया हूं, खिचड़ी खिलाओगी तो खिचड़ी खाएगा, मक्खन रोटी खिलाओगी तो मक्खन रोटी खाएगा। तो कर्माबाई ने पुत्र के रूप में भगवान का वर्ण किया, सूरदास जी ने सखा के रूप में भगवान का वर्ण किया, हनुमान जी ने स्वामी के रूप में वर्ण किया, मेरे स्वामी है मैं उनका सेवक हूं, और तुलसीदास जी ने माता पिता के रूप में वर्ण किया, वे मेरे माता पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूं। तो इस प्रकार से ये चौथी शर्त है। आप कहेंगे कि तीसरी शर्त है कि भगवान रक्षा करेंगे, इस बात पर विश्वास होना, और चौथी शर्त है भगवान को रक्षक के रूप में किसी भाव संबंध के नाते वर्ण करना। तो तीसरी और चौथी शर्त में अंतर क्या है वही थोड़ा समझा दें। आप की आंख में कमजोरी आ गई, कम दिखाई पड़ने लगा, लोगों ने कहा कि मोतियाबिंद हो गया, तो क्या कहे, बोले ऑपरेशन करा लो,
दिखाई पड़ने लगेगा, भाई पड़ने लगेगा। तो आंख का ऑपरेशन कराना है तो किसी डॉक्टर से कराना पड़ेगा ना, मैया भैया तो करेगी नहीं, डॉक्टर से कराना पड़ेगा। संजोग की बात, हमारे कोसी में 10 डॉक्टर अगर हैं आंख का बढ़िया ऑपरेशन करने वाले, विश्वास हमारा 200 पर हो सकता है लेकिन वरण एक का करना होगा। हमें सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है, कौन कराएगा? बोले पंडित कराएंगे, हमारे गांव में 10 पंडित हैं। विश्वास 200 पर हो सकता है, 200 एक से एक विद्वान है, विश्वास 200 पर हो सकता है लेकिन किसी एक का वरण करना पड़ेगा। आचार्य दत्त ही ना तात्वाम हम वृणे, मैं आपको आचार्य रूप में वरण कर रहा हूं। हमें बस अड्डे जाना है, चौराहे पर गए, हमें रिक्शा की जरूरत है, 10 रिक्शा वाले खड़े हैं, 200 एक से एक, आइए आइए बाबूजी, आइए आइए बाबूजी। 200 पर विश्वास हमारा 200 पर हो सकता है लेकिन किसी एक का वरण करना पड़ेगा। कन्या सयानी हो गई, कहां ब्याह करें? बोले वहां से कुंडली मंगाए, वहां से एक की कुंडली मंगाए वहां से, तो इसके बाद विश्वास हमारा 200 पर हो सकता है लेकिन किसी एक का वरण करना पड़ेगा। इसी तरह से दुनिया में एक से एक देवी देवता अमुक ढमुक सब हैं लेकिन भगवान से एक नाता हमारा कोई वरण करना, जिस नाते, ये आपके अपनी रुचि पर है। चाहे कर्माबाई की तरह उनको बेटा बना लीजिए, चाहे मीराबाई की तरह उनको दुल्हा बना लीजिए, चाहे सूरदास जी की तरह सखा बना लीजिए, चाहे हनुमान जी की तरह उनको स्वामी और अपने सेवक बन जाइए, या तुलसीदास जी की तरह उनको माता पिता बना लीजिए, आप उनके बच्चे बन करके बरतिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कितनी शर्तें हो गई? 4। पांचवी शर्त है अपने आप को उन पर सौंप देना। कल उदाहरण दिया था, तौलिया ने अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दिया है, मैं चाहे माथे पर बांध करके रखूं, चाहे इससे पैर पहुंचूं, नीचे बिछा लूं, ऊपर ओढ़ लूं, इसको कटिंग करके टोपी बना लूं, इसको कटिंग करके मोजा बनवा लूं, अपने पास रखूं, किसी को दे दूं, धूप में सूखने को डाल दूं, चाहे ता लगा करके पेटी में बंद कर दूं, इसको कोई इतराज नहीं। इसी तरह से अब तो हे प्रभु, हमने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, अब आप चाहे धनी बना के रखो, गरीब बना के रखो, मूर्ख बना के रखो, विद्वान बना के रखो, घर में रखो, जंगल में रखो, इसको तुम जिस तरह से उपयोग करो, इसका नाम है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मैंने अपने आप को उन पर सौंप देना, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा, सब सरकार तुम्हारे हाथों में। अब एक शर्त और रह गई है, 6वीं शर्त। सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत कठिन है, वो क्या है? कार्पण्य, अपने में दीनता बनी रहे, निराभिमानता बनी रहे। जब 5 शर्तों को कोई निभाने लग जाता है जो अब तक बताई गई कल से और आज तक, तो डर होता है कि इस बात का अभिमान न हो जाए कि हम इतना निभाने वाले हैं, हमारे जैसा निभाने वाला कौन है माई का लाल, इस कोशी में हमें पूरी रामायण कंठस्थ हो गई है, हम पूरी भागवत कंठस्थ हो गई है, हम तो पन्ना भी नहीं पलटते हैं, अरे एकदम पूरी धड़ाधड़ कथा करते जा रहे हैं, हम 3 लाख नाम रोज जपते हैं, हम 4 धाम कर आए हैं, हम हर साल 25 कंबल बांटते हैं, हमारे पिताजी ने वहां संगमरमर की पटिया लगवाई थी मंदिर में, ठीक है जो कुछ है, लेकिन अगर इसका अहम आ गया मन में तो ये अहम ऐसी बुरी चीज है जैसे 56 भोग रसोई बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट बनाई, सोने चांदी के थाल कटोरे में परोसा और ज्यादा नहीं एक एक बूंद मट्टी का तेल सब में टपका दिया, कही ये रसोई कैसी रही? बड़े फेंकने लायक रही, खाने लायक नहीं रह गई। इस तरह से बढ़िया काम किया और अगर अहंकार हो गया अपने कर्तृत्व का, तो समझिए कि जिंदगी भर के किए कराए पर मट्टी का तेल पड़ गया, जहर पड़ गया, फेंकने लायक हो गया, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे हमारे भजन और पूजा और पाठ को। तुझसे बढ़कर के कोई नहीं हुआ है क्या? तू सबसे बढ़ चढ़ के हो गया, ध्रुव प्रहलाद से भी बढ़ करके हो गया, अम्बरीश और मीरा और सबरी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके हो गया। खबरदार अभिमान मत करना, डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है तन अमूल्य सदाचार के लिए, विषयों में फंस के देखो दुराचार न हो जाए।
पालन करो निज धर्म का, निज धर्म हरि भजन, पर देखो भजन करके अहंकार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, जग ठग नगर में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल से, धोखे में पड़ के देखो कहीं हार ना हो जाए। ये शरणागति की 6 शर्तें आज बताई, कल दी और क्षा का अर्थ बताएंगे। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, दिव्य ज्ञान का दान गुरु जी ने दिया इसलिए दी, और क्षा मैंने पापों का, बुराइयों का, बंधनात्मक संस्कारों का क्षय किया इसलिए क्षा। अब 10 बज चुके हैं, आज की सेवा इतनी ही, स्वीकार करके संतुष्ट हों, और इससे आगे की बात फिर कल बताई जाएगी 8:30 बजे। आप 8:15 बजे आ जाइए ताकि ठीक 8:30 बजे क्लास हम लोगों का प्रारंभ हो जाए, तो कुछ पल्ले पड़ जाएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइए, जो बातें अभी बताई जा रही हैं मंत्र देने के पहले ये सब सुनना समझना जरूरी लगता है कि नहीं? बहुत जरूरी है। जैसे खेत में कुछ गेहूं, चना, सरसों, मटर, जो भी बोएं बीज बोने के पहले खेत को जोतना अच्छा रहता है ना, और जोतने के साथ साथ उसमें जो आलतू फालतू घास कांटा कंकड़ पहले से हो उनको निकाल करके साफ सुथरा खेत हो, उसमें थोड़ी नमी हो ताकि बीज डालें तो सर्द पा करके अंकुर उसमें निकले, उसको चारों तरफ से घेरा लगाना पड़ेगा ताकि बैल बकरी गधा आकर के उसको चर नहीं जाए, समय समय पर उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। यह भी एक प्रकार की खेती है। शिष्य का हृदय जो है वही खेत है, और गुरु जी जो समझाने की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, समझो कि तुम्हारे हृदय रूपी खेत को अपने जुबान रूपी हल से चीर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, और तुम में पहले से प्याज की, लहसुन की, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, जर्दा वगैरह की अगर घास आलतू फालतू कांटे कंकड़ अगर हो तो उनको गुरु जी निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद दृढ़ विचार का बाड़ा, कोई आके कहा कि अरे ये तो कंठी ले आई कि बुखार लेके आई, बस उसकी बात पर उतार के धर दिया, अरे ठीक कहती हो, कंठी उतरते ही बुखार उतर गया। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बकरी और गधा बनकर के आते हैं हमारी फसल चरने के लिए, तो उनसे बचाने के लिए दृढ़ विचार का बाड़ा, हिरण्यकशिपु जैसी सत्ता लगा रह गया, खबरदार जो राम नाम लिया तो, खबरदार जो मेरे सामने नारायण का नाम उच्चारण किया तो, कहा कि पिताजी मेरी इस निष्ठा को तो कोई छीन नहीं सकता है, कहा कि मैं तेरी बोटी बोटी उड़ा दूंगा, कहा कि वो मंजूर है लेकिन नारायण का नाम नहीं छोड़ना है, ये दृढ़ निष्ठा। श्री हरे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सुभाष ले भैया, के 3 कोर्स बताए गए हैं, अर्थ पंचक तत्वज्ञा, अर्थ पंचक को तत्वतः जानने वाला हो, और पंच संस्कार संयुता, पंच संस्कार से संयुक्त हो, और अकार त्रय संपन्ना, वही भागवता स्मृता। ये क्रम क्रम से कुछ कल कुछ परसों भी बताया जाएगा, अच्छी तरह से सुन करके समझ करके अगर दीक्षा लीजिएगा और निभाइएगा तो आप सच्चे शरणागत माने जाइएगा, और फिर भगवान के प्यारे दुलारे होइएगा। श्री हरे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से आप लोगों की दीक्षा के भूमिका में प्रथम अध्याय चल रहा है शिक्षा का,
विधि है पहले दीक्षा की प्रबलतम ठोस इच्छा हो, दीक्षा के बाद इधर उधर डगमग डगमग वाली बात ना हो कि यहाँ दीक्षा क्यों ले ली, वहां ले लेते तो और अच्छा रहता। श्री हरेनो, दीक्षा की प्रबलतम ठोस इच्छा पहले जरूरी है, इसके बाद दीक्षा संबंधी शिक्षा जो अभी अध्याय चल रहा है। दीक्षा क्यों ली जाए? श्री राधे, दीक्षा लेने वाले को कैसो कैसो नियम निभाने चाहिए, या को सिद्धांत और नियमावली, ये सुनो समझनो पहले जरूरी है। जैसे खेत को बोने के पहले जोतना पड़ता है और उसके आलतू फालतू घास दूब कांटा कंकड़ सब निकालना पड़ता है, ऐसे ही हमारा हृदय जो है वही खेत है, और दीक्षा के पहले जो समझाने की प्रक्रिया है वही उसकी जुताई है। पहले से इसमें गलत गलत अभ्यास, गलत गलत वासनाएं, अनाप शनाप ये विचार, खान पान इत्यादि की गड़बड़ी, ये सब समझिए कि दूब कांटा कंकड़ इत्यादि है, इनको निकालना जरूरी होता है। अब तक बताया गया आप लोगों को कि इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है, कुछ लोग इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं, कुछ लोग शरणागति संस्कार कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं इसलिए कि दोनों दो क्रिया हैं, दो तरफ से की जाती हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जब शिष्य की तरफ से शरणागति की जाती है। शिष्य सही ढंग से शरणागति करे, शरणागति के नियमों को अच्छी तरह से निभावे और गुरु जी सही ढंग की दीक्षा दे तो भवबंधन से छूटता है प्राणी, प्रभु को प्रिय होता है, प्रभु उसको प्राप्त होते हैं। कल तक शरणागति का भाव बताया गया कि शरणागति एक ऐसी क्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। जैसे विद्यार्थी को अध्यापक की शरणागति करनी पड़ती है, उसमें कुछ शर्तों को निभाना पड़ता है। रोगी को डॉक्टर की शरणागति करनी पड़ती है, उसमें उनकी कुछ शर्तों को निभाना पड़ता है। उसी तरह से भगवत शरणागति में 6 शर्तें निभानी पड़ती हैं, अनुकूल रहना प्रभु के और अनुकूल पदार्थ आहार व्यवहार को ही ग्रहण करना, प्रतिकूलता का परित्याग करना और प्रतिकूल आहार व्यवहार से बचना, ये दो। तीसरी शर्त है, हम जिस प्रभु की शरण ले रहे हैं वे प्रभु सर्व समर्थ हैं, परम दयालु हैं, उनकी वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे और वही रक्षा करेंगे। उनकी शरण लेने के बाद अब और किसी से कुछ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें जो कुछ कहना है प्रभु से ही कहेंगे, आशा प्रभु से ही रखेंगे। चौथी शर्त है कि प्रभु से कोई एक भाव संबंध नाता मान करके और उसके अनुसार हम उनसे बरतेंगे निभाएंगे। पांचवी शर्त है, अपने आप को उन पर सौंप देंगे, हमें अपने दुख सुख की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने उत्थान पतन की चिंता नहीं करनी है, हम तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अब हमको जंगल में रखोगे प्रभु कि घर में रखोगे, धनी बना के रखोगे कि गरीब बना करके रखोगे, हे प्रभु अभी ये आपके ऊपर है, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं, जहां रखो जैसे रखो, ये पांचवी शर्त है। छठवीं शर्त है कि ये सब शर्तों को निभाते समय अहंकार न हो किसी बात का, अभिमान न हो कि हम ऊंचे खानदान के हैं, कि हम बहुत सुंदर हैं, कि हम बहुत विद्वान हैं, कि हम बहुत धनवान हैं, कि हम बहुत बलवान हैं, कि हम बहुत ऊंचे पद पर हैं, कि हम बहुत भजन करते हैं, कि हम बहुत दान करते हैं। अच्छा अच्छा काम सब करिए, लेकिन मैं कर रहा हूं, मेरे समान करने वाला कौन है,
इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभिमान होने से अब तक के समस्त अच्छे कामों के ऊपर पानी फिर जाता है। उदाहरण बताया गया कल कि जैसे बढ़िया रसोई बना के उसमें मिट्टी का तेल टपका दे तो बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है। ऐसे ही उत्तम से उत्तम काम करके भी अगर अभिमान हो गया तो समझिए कि सब नष्ट हुआ।